देखिए आई जीरो डी एक्स ओवर वन प्लस ई की पावर एक्स से आपका नाम देखो दिस इज टू। आपने क्या करना था, वन प्लस ई की पावर एक्स जो आपने लिखा हुआ आपका नाम देखो दिस है, इसको आपने क्या करना था, वन प्लस ई की पावर एक्स बाई टू ऐसे, और भाई ये आपका नाम बाई टू यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू एन आ पावर ऑफ e की पावर x के साथ अपने ये कर रहा है आपको ना देखो ऐसे यू नो व्हिच इज ऑफ द फॉर्म जो अब आपका फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस देखो एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे था आपका नाम यस। तो देन आपने क्या करना था, सब्स्टिट्यूट e की पावर x बाय टू इज इक्वल टू आपने क्या करना था ये टेन थीटा लिख दिया ये आपका मे बी ट्राइड आपका लिख सकते हैं आपका रोल नंबर ये आपने रख दिया। अब ये हो गया e के पावर आपका तो वन प्लस e के पावर एक्स आपका सॉरी e के पावर एक्स बाई टू इज इक्वल टू आपका नाम ये टेन थीटा हो गया तो ना देखो दिस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अपना थीटा हो गया तो d बाई डी थीटा ऑफ आपका e के पावर एक्स बाई टू और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू यही तो हुआ इस वक्त के लिए ना और इक्वल टू आपका डी बाई डी थीटा ऑफ अपना नाम दिस दैट ई की पावर एक्स बाई टू का ध्यान दो सर अपना और इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन टू ठीक है यही है देखिए गड़बड़ तो नहीं ये यहाँ पे डी बाई यही लिखना था अब आपका ठीक है ये देखो जरा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो यहाँ पे एक्स क्या करना है मेरे को क्या करना चाहिए था डिफरेंशिएट किसके रिगार्ड में होगा रिगार्ड में तो हो गए ठीक है ना e की पावर x आपका ना देखो दिस सही हो गया। अब आपका ये क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा ये आपका dx आएगा यहां तो आपका ये dx कहां आएगा इधर आएगा dx आपका और sec स्क्वायर थीटा थीटा हो गया हो गया तो dx की वैल्यू जब आप निकालोगे तो dx दिस का तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन e की पावर x बाय 2 और 2 ऊपर चल आ गया सर। अब यहां से आप आगे यहां आ गए अब आप क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स बाई टू ये आपने लिखा ना और इंटीग्रेशन ऑफ अब आपका क्या हो जाएगा जी बताएंगे ये ऊपर क्या हो जाएगा नीचे तो आपका वन प्लस ई की पावर ये सर दिस इज द टेन स्क्वायर ये थीटा हो गया सर आपका ना इस के लिए ऊपर आपका डी एक्स की जगह में क्या जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया और टू कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा आपका आगे ही आ गया ई की पावर एक्स बाई टू के जगह पर टेन थीटा है ना नहीं डी एक्स में ना ई की पावर एक्स बाई टू है अपॉन में एक्स बाई टू है ये नीचे आएगा कहाँ dx के जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है ना वो 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन e की पावर x बाय 2 है यहां यहां क्या करूं यहां वो लिखो e की पावर मल्टीप्लाई में e की पावर x बाय 2 इज दैट क्लियर अब मैं यहां लिख देता हूं या यहां लिखूं चलो ओके कोई बात नहीं यहां मैं नीचे जोड़ देता हूं sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इसकी जगह में आपका क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा e की पावर x बाई टू टेन थीटा ही तो है आ गया ये खलास हो गया तो ना अब आपका ये i इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2 tan 2 ये आपका रेसिप्रोकल रूल लग गया सर ठीक है ना क्लियर है सर बना दो cot थीटा डी थीटा i इज इक्वल cot थीटा का क्या होता है सर log sin थीटा ऑफ प्लस 2
आई इज इक्वल टू लॉग, और साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे अब आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे अगेन यू मेक ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए टेन थीटा इज इक्वल आपका क्या e की पावर एक्स बाई टू प्लस अपॉन वन, ये परपेंडिकुलर ऊपर आपका देखो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका e की पावर एक्स बाई टू ये वन हो गया, तो इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे तो आपका नाम यू सही पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका क्या हो जाएगा e की पावर जी e की पावर कितना हो जाएगा नहीं जी एक्स वन का स्क्वायर, तो वन प्लस e की पावर एक्स बाई टू का ठीक है। अब आप इससे क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज e की पावर x बाई टू अपॉन, ये तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा आपका रूट वन प्लस e की पावर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ऐसे बस आपका i इज इक्वल ये टू लॉग साइन थीटा की जगह में आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x बाई टू अपॉन रूट वन प्लस e की पावर x और प्लस इससे आगे ठीक है। आप log m प्लस अपॉन log n इक्वल टू log m माइनस log n, आपका कल वाला आंसर देखिएगा, कल वाला आंसर क्या था x माइनस log जी वर्ड में वन प्लस e की पावर x, x माइनस log वन प्लस e की पावर x प्लस c था ना yes. कल में इसका ये कैसे आएगा था? जब टू लॉग ई की पावर एक्स बाई टू ये आया जो आपने देखो क्या होता आगे जो टू है ना वो हाँ वो पावर में चला जाएगा आई इज इक्वल आपका क्या ई की पावर एक्स बाई टू ओवर रूट वन प्लस ई की पावर एक्स की पावर ये पावर आपका क्योंकि एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर हो गया सर आ गया प्लस से आप लॉग कोई बात नहीं लॉग लिख देता हूँ आई इज इक्वल लॉग देखो ई की पावर एक्स बाई टू का स्क्वायर हो गया सर माइनस लॉग रूट वन प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस से आई इज इक्वल लॉग टू से टू कैंसिल ई की पावर एक्स माइनस लॉग आपका ये टू से ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस ई की पावर एक्स और प्लस से यही आंसर है कल का ये आपका फर्स्ट मेथड था जो एक्चुअल में जो आप टाइप सेवन में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं वो ये यही आपका करना था आपने प्लीज डू इट कैसे पढ़ें वो एक्स आ जाएगा लॉग ई बेस ई वो बन जाएगा ये हाँ ये आपका बिल्कुल अभी लॉग ई बेस ई आपका वन हो जाएगा तो आगे आ जाएगा उठी होगा वेरी नाइस अपना ये एक्स माइनस लॉग ब्यूटिफुल वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस दैट्स वेरी गुड थैंक यू वेरी मच गुड जॉब।